अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर केवल मात्र क्रिकेट ही खेलते रहे और संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते थे। वहीं गोद लिए गए गाँवों की हालत भी दयनीय है और कभी गाँवों में जाकर सुध नहीं ली। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर केवल मात्र क्रिकेट ही खेलते रहे हैं और संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते थे। वहीं गोद लिए गए गाँवों की हालत भी दयनीय बनी हुई है और कई गाँवों में जाकर उन्होंने सुध भी नहीं ली है। पर इतना अवश्य है कि अगर मान लो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन में जो सूचना आई कि हमारा मेंबर पार्लियामेंट जो है वो अपना जो एमपी लेड का पैसा है वो भी खर्च नहीं कर पाया, तो जब आप चुनाव क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे और केवल मात्र क्रिकेट खेलते रहेंगे, जो उनका पैसा है वो ज़्यादातर बच्चों को क्रिकेट किट के लिए खर्च किए उन्होंने किया और गांव के सर्वांगीण विकास पे खर्च नहीं किया। जो गांव गोद लिया, गोद में तो ले लिया लेकिन बच्चे को दूध तक नहीं पिलाया और वो बच्चा बेचारा सिसक रहा है आज, जो गाँव उन्होंने गोद ले रखा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ऐसा भी उदाहरण है कि हमारे एक धर्मपुर चुनाव क्षेत्र है, कल मैं वहाँ पे था, मुझे बताया गया कि 52 लाख रुपए उन्होंने एमपी लेट का पैसा दिया, 2 हफ्ते के बाद वो पैसा भी वापस ले लिया। ऐसे मैं कहूँगा कि पूरे चुनाव क्षेत्र के अंदर लोगों में जो है वो इस प्रकार की जो है वो भावना है। जेपी नड्डा के बिलासपुर में प्रचार के लिए नहीं आने पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में क्या हो रहा है इसका जवाब सीएम दे या फिर प्रदेशाध्यक्ष या फिर प्रेम कुमार धूमल दे, इस पर कांग्रेस कोई बात नहीं करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के घर की बात है। मैं दूसरे के घर में अगर मान लो बरसात में पानी अंदर रिसाव करके आता है तो मैं दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने घर में अगर कहीं पे कोई अंदेशा होता है रिसाव होने का, हम उस सब को रोक के जो है हम अपने घर को ठीक करेंगे। दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसका जवाब जो है वो मुख्यमंत्री देंगे, उसका जवाब जो है जगत प्रकाश नड्डा देगा और उसका जवाब जो है वो प्रेम कुमार धूमल साहब देंगे। उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर को इस बार चुनाव अपने बलबूते पर लड़ना है और पिछले चुनाव में अनुराग ठाकुर को अपने पिता धूमल के सीएम रहते कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार चुनाव का पता अनुराग को चलेगा। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को हमीरपुर में नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और इसके बाद गांधी चौक पर विशाल रैली भी आयोजित की जाएगी जिसमें प्रदेश के अलावा केंद्र के सीनियर लीडर भी हिस्सा लेंगे। और आज ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि अब तो प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, अब अनुराग जी को मेरे साथ जो चुनाव है वो उनको अब अपने बूते पे लड़ना पड़ेगा। जो पिताजी ने बोया है उसका फ़ायदा तो सबको होता है, लेकिन आज की तारीख में जो चुनाव में आज अनुराग ठाकुर जी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, पार्टी का आशीर्वाद मिला है, हमारे सारे नेताओं का आशीर्वाद मिला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का आशीर्वाद मिला और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले पहले जो कुछ जगहें बची हैं उनको मैं कवर करूंगा और 25 तारीख को जो है वो हमीरपुर में नॉमिनेशन फाइल करूंगा और उसके बाद एक रैली होगी जिस रैली में प्रदेश के और मैं कहूंगा कि बाहर से भी जो सीनियर नेता हैं हमारे वो आके जो है वो अपना आशीर्वाद देंगे और उसके बाद जो चुनाव की जो मुहिम है वो और ज़्यादा हमारे जो सीनियर लोग हैं हर चुनाव क्षेत्र में हर ज़िला के अंदर ये सारे जो है वो पूरी मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी की ये जो मैं कहूँगा कि कुदृष्टि पड़ी है इस मुल्क के ऊपर, जो एक तरह अखंडता पे जो प्रहार हो रहा है, आज हम टूटने के कगार के ऊपर हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी जो है वो उसमें मैं कहूँगा कि बिखराव आया है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे जो साथी हैं वो चुनाव में जो है वो मजबूती से हिस्सा लेंगे।